हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वुलन डोर मैट बनाएंगे, वो भी फिश वाली डिज़ाइन की। इसके लिए मैंने सिलाई पे 3 फंदे डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन 3 फंदों को दोनों तरफ से बढ़ाना है। आप चाहे सीधा सीधा बुने, आप चाहे उल्टा उल्टा बीने दोनों तरफ से। देखिए, दोनों तरफ से बढ़ाना है हमको। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमको 20 फंदे कर लेने हैं। ये देखिए, बढ़ाते बढ़ाते हमने 20 फंदे कर लिए हैं। 20 फंदे करने में हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 9 धारियां आई हैं। अब हमें क्या करना है, आंख बनानी है फिश की। तो 2 4 6 7 7 7 फंदे बुनने के बाद अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, जिस भी कलर से हमें इसकी आंख बनानी हो। मैं यहाँ पे पीला रंग लगा रही हूँ, ऐसे बिन देना एक, फिर सारे ऑरेंज कलर से। जब हम दोनों तरफ से फंदे बढ़ाएंगे तो ये नोक जैसा आ जाता है हमारा। चलिए, यहाँ ये पूरा और यहाँ तक बुन के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए, जो हमने आँख वाले बनाने के लिए पीला रंग लगाया है वहाँ तक पहुँच गए हैं। इस ऑरेंज को भी बिन लेते हैं। इसके बाद ये ऊन ऑरेंज वाला आगे कर देंगे और इस पीले वाले से, जिससे हमने आँख बनाई है फिश की, उससे इसको एक फंदे को सीधा बुन देंगे। सीधा बुनने के बाद इसको फिर इधरी कर लेंगे और ऑरेंज वाले को इधर करके सारे फंदे सीधे। फंदा बढ़ाना जरूर ध्यान रखिएगा, तभी सही शेप आएगी मछली की। ये देखिए, बढ़ गया। अब हम आंख हमारे ये मछली की बन चुकी है। अब सारे फंदे हमको ऑरेंज कलर के ही बुन देने हैं। ये देखिए, देखिए फिश की आंख बन गई। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे दूसरा रंग लगाऊंगी। आप चाहें एक रंग से भी बनाएं, आपकी मर्जी। मैं लेकिन यहाँ पे दूसरा रंग लगा रही हूँ। दूसरा रंग हम सीधे से लगा देंगे क्योंकि हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। अगर उल्टे से बुनेंगे तो उल्टी तरफ लगाएंगे। देखिए, दूसरा रंग लगा रही हूँ, पीला। अब हमें क्या करना है, इन दोनों रंग का, एक धारी पीले की एक धारी ऑरेंज की, यानी 2 सिलाई पीला बुनेंगे और 2 सिलाई ऑरेंज की। ये देखिए, एक धारी पीले की एक धारी ऑरेंज की।
ऐसे बनाते हुए और दोनों तरफ फंदे बढ़ाते हुए हमें जितना बड़ा मुंह फिश का बनाना है उतना बड़ा बुन लेना है। चलिए मैं बुन के इसका पूरा मुंह बुन के फिर आपको आगे बताती हूँ क्या करना। ध्यान रखिएगा फंदे दोनों ओर बढ़ाने हैं जितना बड़ा आपको बनाना है मुंह। ये देखिए इतना बन गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने बढ़ाया है वैसे हमें घटाना है। हमने हर सिलाई में बढ़ाया है, अब हर सिलाई में हमको घटाना है, और जब तक कि 10 फंदे ना बचे। देखिए 2 फंदे का एक कर दिया, ऐसे पूरा बीनना है हमको दोनों ओर से घटाना है। ये देखिए लास्ट में भी 2 फंदों का एक फंदा कर देना है। ये 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों का एक कर देना। ऐसे ऐसे हमें बिनते हुए जब मेरे पास 10 फंदे बचे उतने दूर तक हमें ये बिनते ही रहना है। ये देखिए दोस्तों यहां से दोनों तरफ इधर भी और इधर भी हर सलाई में, हर सीधी सलाई में घटाते घटाते दोनों तरफ हमने यहाँ जब हमारे पास 10 फंदा बचा तो फिर रोक दिया और एक रंग लगाया जो कि हमने यहाँ लगाया है। इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 सात धारियाँ बना ली, यानी 14 सलाई बुना तो ये हमारी 7 धारियाँ बन गई हैं उल्टे उल्टे की। ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें दोनों ओर फंदे बढ़ाने हैं जैसे हमने यहां से बढ़ाए थे। इधर बढ़ा दीजिए फिर बीच के फंदे सादे बुनने, इधर उधर ही बढ़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया हमने, आप बड़ा बनाना चाहिए बड़ा बनाइए, छोटा बनाना चाहिए और छोटा बनाइए, ये आपकी जितनी जरूरत है आप कोई अपनी जरूरत के अनुसार बनाइए। इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते हमको 4 फंदे बढ़ा लेने हैं, 4 इधर 4 उधर। ये देखिए इधर और इधर हमने हर सीधे में 4 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब हम ये उल्टी सिलाई से पूरा घटा देंगे, यानी सारे फंदे को बंद कर। ये देखिए बन गई पूछ पूरी, देखिए फिश पूरी। ये मैंने छोटा बनाया है, आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना ले। देख रही हैं बहुत आसान तरीके से बताया था, ये आप तुरंत बना लेंगे, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।